भारत जो अपने में ही एक सुंदर देश है उसका क्या ही कहना, पर इस देश के अंदर के कुछ और अति सुंदर स्थान और जगह है जो इंडियन रेलवेज के माध्यम जानना एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए उनमें से आज पांच खूबसूरत जगह देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, कालका शिमला। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में बसे 2 फीट 6 इंच नैरो गेज रेलवे लाइन है। नॉर्थ इंडिया के इस इलाके में जो ज़्यादातर पहाड़ों से भरा है उनके बीच से गुजरने की बात ही अलग है। छोटे छोटे गांव से होकर पहाड़ और वादियों से गुजरने की इस रूट का आनंद ही अलग है। इस रूट पर जो ट्रेन चलती है वो टॉय ट्रेन है जो आपके अंदर के बचपन को वापस जगा दे। 96 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लाइन 1903 में शुरू किया गया था और करीबन 102 टनल और 80 ब्रिज को पास करता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द स्टीपेस्ट राइज इन एल्टीट्यूड से सम्मानित किया गया है। अगर आप शिमला जा रहे हैं तो इस टॉय ट्रेन से ही जाइए और अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्थान पर, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक पहुंचाती है। पश्चिम बंगाल में बसे इस आकर्षित रेलवे लाइन का क्या ही कहना, सांस चढ़ा देने वाला फिर भी प्रकृति का सुंदर रंग से रंगा हुआ इस रूट को तो अनुभव करना बनता ही है। 2 फीट के इस नैरो गेज रूट को 1881 में शुरू किया गया था और करीबन 88 किलोमीटर लंबा रूट 6 ज़िगज़ैग क्रॉसिंग कर जाती है। ये यात्रा सिर्फ चढ़ान नहीं पर टी एस्टेट से होकर हुए उसकी खूबसूरती और महक लेते हुए जाती है। इस रेलवे रूट में 4 चांद लगाती है। इसको सम्मान किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सम्मानित किया गया था वर्ष 1999 में। तो तैयार हो जाइए और निकल पड़िए दार्जिलिंग की ओर। तीसरा स्थान है वास्को डा गामा से लोंडा जंक्शन। समुद्र के तट पर बसे गोवा में है ये खूबसूरत रेलवे रूट जो वास्को डा गामा से लोंडा जंक्शन जाती है। अब तक पहाड़ चढ़ रहे थे, इस रूट में पहाड़ के अंदर से होकर जाना पड़ता है और सबसे मज़ेदार दृश्य है दूधसागर झरना। इस मार्ग का एक और सबसे आकर्षक दृश्य है जब ट्रेन पश्चिमी घाट से होकर जाते हैं जहाँ ट्रेन अपने गति बढ़ाते हुए जंगल से होकर गुजरते हैं। जब आपका ट्रेन लोंडा के पास पहुँचता है तो आप विशालकाय झरनों और लाल मिट्टी के वातावरणों का आनंद ले सकते हैं। इस मार्ग में यात्रा करने का सुखद समय बारिश के वक्त है।
तो चलिए बढ़ते हैं चौथे रूट के भाग, मंडपम पंबन रामेश्वरम, जिसे कई बार भारत का सबसे खतरनाक रूट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतली ब्रिज से गुजरता है ट्रेन। ये अपने में एक रोमांचक सफ़र बनाता है। ये ब्रिज भारत का दूसरा लंबा रेलवे ब्रिज है, जो कनेक्ट करता है मंडपम तमिलनाडु में और आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, और ऐसा रूट है जिससे आपको प्यार ही हो जाए। वर्ष 1988 तक ये एकमात्र रास्ता था जो कनेक्ट करता था तमिलनाडु और इस द्वीप को, पर वर्ष 1988 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक नया रोडवे ब्रिज उद्घाटित किया, जिससे और एक रास्ता बन गया। तो बढ़ते हैं आखिरी रूट पे, शोरनू निलंबू रूट। 65 किलोमीटर का ये छोटा सा लाइन, जो कि एक नॉन इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉडगेज लाइन है, केरला में स्थित है। मेन लाइन में बसे शोरनूर जंक्शन को इंडियन रेलवेज का एक छोटा सा ब्रांच निलंबूर तक कनेक्ट करते हैं, जो कि एक दूसरे रूट पर है। निलंबूर रूट में कई सारे जंगल, पहाड़, कई तरह के कला, मिक्स्ड कल्चर और प्रकृति के अलग अलग रंगों से भरा है। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पे बसा हुआ इस छोटे से जगह को लैंड ऑफ टीक प्लांटेशंस भी कहा जाता है। ये रूट एक्सप्लोर करने का सबसे सही वक्त जून से अगस्त में है।